नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 21 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से दो बहुत ही बड़ी खबरें आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर भारत की 19 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम नजर डालते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों पर। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही सीरीज को लेकर, जहां पर फिलहाल 4 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। इन 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। डे नाइट मैच ही होने वाला है, यानी भाई पिंक बॉल से यह मैच खेला जाना है। लेकिन मैच की शुरुआत से पहले इस सीरीज के रिगार्डिंग बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से काफी सारे बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए वन बाय वन नजर डाल लेते हैं उन सभी अपडेट्स पर। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है ऑडियंस को लेकर। जी हां, यहां पर मोटेरा स्टेडियम में हमें दर्शक बहुत ज्यादा दिखाई देने वाले। आप सभी को पता है कि भाई 1 लाख से ज्यादा की यहां पर सीटिंग और यहां पर भारत सरकार ने 50% ऑडियंस को अलाउ किया, जिसके चलते लगभग 50,000 दर्शक हमें यहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में दिखाई देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि मोटेरा स्टेडियम के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जहां पर दर्शक केवल मोबाइल और पर्स लेकर जा सकते हैं, उसके अलावा भाई कोई भी चीज लेकर वहां पर एंट्री को अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है पिच को लेकर। जी हां, फाइनली यहां पर इस मैच के लिए पिच को रेडी कर दिया गया है। पिच की फोटो आप स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ साइड में देख पा रहे होंगे, काफी सुंदर यह पिच दिखाई दे रही है। और भाई कहीं ना कहीं जिस तरह से आप सभी लोगों को दिख रहा है कि ग्रासी पिच रहने वाली है, जिसके चलते भाई बल्लेबाज और गेंदबाज यहां पर दोनों को तगड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली T20 सीरीज को लेकर। और फाइनली भाई 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारत की 19 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में हमें काफी सारे चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। चलिए फटाफट सभी बदलाव की बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई सूर्य कुमार यादव को यहां पर खेलने का मौका मिला है, उसके अलावा राहुल तेवातिया को मौका मिला है, ईशान किशन को भी मौका मिला है, भुवनेश्वर कुमार काफी लंबे टाइम के बाद कमबैक कर रहे हैं, नवदीप सैनी और टी नटराजन दोनों खिलाड़ी कमबैक कर रहे हैं, ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को आराम पर रखा गया है, उसके अलावा रविंदर जडेजा का भी यहां पर कमबैक नहीं हो पाया, कुलदीप यादव को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है और भी यहां पर काफी सारे बदलाव किए गए हैं। और भाई इस T20 सीरीज के लिए जो भारतीय टीम के स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हुई है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़े सभी अपडेट्स और साथ ही साथ सभी मैचों की फैंटेसी टीम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रिकेट इंडिया 0 सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिलती है। तो चलिए बात करते हैं यहां पर खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 को लेकर। जी मिनी ऑक्शंस भी अब समाप्त हो चुके हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किस तारीख से आईपीएल 2021 की शुरुआत होने वाली। तो भाई टिल नाउ जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई अप्रैल महीने के सेकंड वीक में आईपीएल 2021 की शुरुआत हो जाएगी। टिल नाउ जो टेंटेटिव डेट्स बताई जा रही है उन डेट्स के हिसाब से 11 अप्रैल 2021 से आईपीएल 2021 की बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली यहां पर मतलब शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर बीसीसीआई ने अपना कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, केवल सोर्सेज के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है स्टीव स्मिथ को लेकर। और भाई आप सभी लोगों को पता है कि भाई आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शंस के दौरान दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने स्टीव स्मिथ को मात्र 2,20,00,000 रुपए में खरीद लिया, जिसके बाद भाई यहां पर ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही पुराने दिग्गज माइकल क्लार्क की तरफ से एक
बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आया है। उन्होंने ऐसा कहा कि भाई आईपीएल 2021 से स्टीव स्मिथ खुद को पुल्ड आउट कर सकते हैं, आईपीएल 2021 से वो खुद को बाहर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उनको पिछले सीजन के कंपैरिजन में काफी कम रेट मिल रहा है, जिसके चलते भाई स्टीव स्मिथ यहां पर आईपीएल 2021 से बाहर हो सकते हैं, ऐसा यहां पर माइकल क्लार्क का कहना। लेकिन इसके ऊपर स्टीव स्मिथ की तरफ से हमें किसी भी टाइप की कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है ईशान किशन को लेकर। जी आप सभी को पता है कि भाई फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, जहां पर कल एक मैच झारखंड की टीम ने खेला था, काफी रोमांचक मैच रहा था। उस मैच में झारखंड की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे ईशान किशन, और ईशान किशन ने लगभग 93-94 गेंदों में 173 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिस दौरान 11 लंबे लंबे छक्के लगाए थे। यानी भाई आईपीएल 2021 से पहले उनकी तरफ से हमें ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देखने को मिला, और उस परफॉर्मेंस के चलते उनको यहां पर भारतीय टीम में भी इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिल गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोबिन उथप्पा को लेकर। भाई आप सभी को पता है कि आईपीएल 2021 में रोबिन उथप्पा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले, भाई सीएसके ने 3 करोड़ रुपए में ट्रेड के जरिए उनको अपनी टीम में शामिल किया। और भाई कहीं ना कहीं सीजन की शुरुआत से पहले रोबिन उथप्पा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रोबिन उथप्पा फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी में केरल की टीम का हिस्सा था, जहां पर वो केरल की तरफ से खेलने के लिए उतरे थे। उन्होंने भी वहां पर एक बहुत ही ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया, लगभग 106-107 रन उन्होंने बनाए, लगभग 88-89 गेंद खेली, जिस दौरान काफी लंबे लंबे छक्के भी जड़े। लेकिन भाई कहीं ना कहीं रोबिन उथप्पा की तरफ से हमें ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस यहां पर विजय हजारे ट्रॉफी में देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2021 को लेकर। इस सीरीज की शुरुआत में काफी कम टाइम बचा, और भाई आप सभी लोगों को पता है कि भाई 2 मार्च से 21 मार्च के बीच यह शानदार टूर्नामेंट खेली जानी है। 6 टीमें इस लीग में पार्टिसिपेट करने वाली, और भाई जल्द ही यहां पर आने वाले 1-2 दिन के अंदर इस सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया जाएगा। वो कार्यक्रम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है आज 21 फरवरी 2021 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।